नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी। अब रटो नहीं समझो में, और गर्व एकेडमी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाकर के इस गर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आप लगातार अपडेट हो सकें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें ओवरलैपिंग मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। सरकार को 3 हफ्तों में काउंटर फाइल करना है, अब कोई स्टे नहीं दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया उसी तरह चलती रहेगी। और इसी के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का एक बयान आया है अभी तुरंत। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जब तक पूरी सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक आप लोगों की काउंसलिंग चलती रहेगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि अभी तक लोग अंदेशा लगा रहे थे कि सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगी और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, जिससे कि सीटें रिक्त रह जाएंगी और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरी सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।